थाना ईसानगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया। 02 हत्याभियुक्त गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के थाना ईसानगर की ग्राम मिश्रनपुरवा रामलोक निवासी मुनेजा पुत्र संबारी की रात में अपने छप्पर में सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चेहरे पर वार करके हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना ईसानगर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। मृतक मुनेजा के भाई जगमोहन की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना से यह प्रकाश में आया कि नामजद अभियुक्त निजामुद्दीन के द्वारा रात्रि में मृतक मुनेजा के घर आकर बांका मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण निजामुद्दीन व मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंध का होना प्रकाश में आया है। घटना की रात्रि में मृतक की पत्नी द्वारा टटिया को हटाकर अभियुक्त निजामुद्दीन को अंदर बुलाया गया था। अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकतल बांका बरामद कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी से जिला ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकील की रिपोर्ट। 2-3 फरवरी की रात में थाना ईसानगर पे सूचना प्राप्त हुई कि गांव मिश्रनपुरवा रामलोक के रहने वाले मुनेजर की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर पे उनके चेहरे पे किसी धारदार हथियार से वार करके उनकी हत्या कर दी गई है। सूचना पर तुरंत पुलिस के द्वारा मौके पहुंचा गया और नियमानुसार शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना ईसानगर पे अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में यह पूछताछ से और ह्यूमन इंटेलिजेंस लोकल स्टाफ गैदर करने से यह संज्ञान में आया कि मृतक की पत्नी मीना देवी और मृतक के करीबी निजामुद्दीन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। इसके चलते मृतक कई बार पूर्व में एतराज कर चुका था। इसके अतिरिक्त मृतक और जो अभियुक्त है निजामुद्दीन उसके बीच में पैसे के लेन देन को भी लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इसी के चलते मीना ने निजामुद्दीन के साथ मिलकर रात के समय अपने पति की हत्या कर दी।